रक्षाबंधन के दिन क्या लाल सिंह चड्ढा ने तूफान मचा दिया? क्या पिक्चर हॉल पूरी तरीके से भर चुके हैं? क्योंकि आज दो फिल्में आ रही हैं, एक तरफ है अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और दूसरी है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर आप सभी ने ट्रेंड देखा, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा। और आज सच क्या है? क्या पिक्चर हॉल में लोग फिल्म देखने जा रहे हैं? क्या टिकट की आपाधापी पूरी तरह से हो रही है? और क्या वही हालत है जो थ्री इडियट्स के दौरान थी, पीके के दौरान थी और दूसरी फिल्मों के दौरान थी? यह स्थिति आज कुछ डामाडोल है। मैं एक एक सच आपको दिखाऊंगा, पूरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा और लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है फिल्म देखने के बाद, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिव्यूज दिखा दूं लोगों के। ये आप देख सकते हैं लाल सिंह चड्ढा के रिव्यूज हैं, ये आप देख सकते हैं लाल सिंह चड्ढा, और लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। लोग कह रहे हैं टाइम पास, एक ने कहा सुपर डायरेक्शन, एक कह रहे हैं टाइम पास। उसके बाद आप देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, फॉरेस्ट जंप की कॉपी है ये मूवी, वन टाइम वॉच, टाइम पास। उसके बाद एक ने कहा कि ब्लॉकबस्टर, वेस्ट योर मनी, वेस्ट ऑफ मनी। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के रिव्यूज लगातार लोग देख रहे हैं, टाइम पास भी यहां पर है। और ये देखिए बेकार, बिल्कुल सीधी भाषा में बोल दिया बेकार, नो वर्थ वॉचिंग, एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट। इसको इसकी इस फिल्म को देखने की कोई वजह नहीं है, पूरी तरह से खराब है आपका वक्त। ये आप देख सकते हैं फन, कोई कह रहे हैं फन, बेकार, रोस्ट कह रहे हैं लोग, रोस्ट बेकार बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं लोगों की राय है इस तरह की राय। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं कि आखिरकार जो पिक्चर है हॉल है, जो प्राइम टाइम शो है, यानी जो शाम के 6:45 का शो है, उसकी क्या हालत है, वहां पर किस तरीके से लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, जो फिल्म के लिए खचा खच हॉल भरता था वो किस तरीके से खाली भरा हुआ है। अगर आपको टॉप की सीट चाहिए तो आप किसी पर भी क्लिक कर टिकट बुक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, कहीं पर भी आप चार लोग हैं, दस लोग हैं, पांच लोग हैं, आप किसी भी तरह से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप समझिए कि सैकड़ों सीट में से सिर्फ 12 से 15 सीट ही यहां पर भरी है। मैंने गिनती की है 12 सीट। अब मैं आगे लिए चलता हूं, दूसरे शहर का हाल देखते हैं, लखनऊ। लखनऊ वो शहर है जिन्हें खाने पीने का बहुत शौक है, जो छुट्टी के दौरान फिल्में बहुत देखते हैं, और इसकी हालत आप देख सकते हैं, गिनकर 2 ऊपर, सिर्फ 6 ऊपर हुए हैं, और उसके अलावा ये 8-10, बाकी सारी सीटें खाली हैं। यही हाल मैं आपको दिखा दूं, ये हाल है पुणे का, ये आप देख सकते हैं, ये पुणे का हाल है, ये वहां का किस तरीके से वहां के पिक्चर हॉल में खाली इस वक्त पड़ा हुआ है, सिर्फ 8-10 ही टिकट बुक हुए हैं। और जगह की बात करूं, ये अहमदाबाद की मैंने बात की है, ये बड़ा, ये 600 रुपए का टिकट है, लेकिन टिकट सिर्फ 8-10 ही बुक हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ रक्षाबंधन, ये आप देखिए वही टाइमिंग है लगभग, ये 4:10 का शो मैंने आप दिखाया, ये पूरी तरह से खचा खच है। आगे चलता हूं, ये 6:30 बजे का है, देखिए उस फिल्म से ज्यादा लोग रक्षाबंधन को देखने पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात है कि रक्षाबंधन को यहां पर ज्यादा लोग देख रहे हैं और लाल सिंह चड्ढा को किस तरीके से लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, 8-10 टिकट। ये आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से लाल सिंह चड्ढा बायकॉट, जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, वो हिट होता नजर आ रहा है। लोग आज पूछ रहे हैं कि सुशांत की मौत पर, उनकी मृत्यु पर चुप रहने वाले आमिर की फिल्म आखिर क्यों देखी जाए, और बाद में तो नंबर इनका भी है। लोग इस तरीके से कह रहे हैं बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, पठान टाइगर, और एक वीडियो जो हर किसी की आंखें खोल देगा, एक वीडियो जो आज बताएगा कि किस तरीके से लोग बायकॉट कर रहे हैं, लोग बेहद गुस्से में हैं, लोग नाराज हैं, लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें ये फिल्म नहीं देखनी, आप भी मत चाहिए। और मैं कहूंगा कि इस तस्वीर को आप सुनिए और देखिए। मैं लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हीरो जिसको जीरो से हमारे देश ने हीरो बनाया,
हमने कभी ये नहीं देखा कि यार वो किस जात का है, किस धर्म का है, हमने उसे सिर्फ कलाकार माना। लेकिन जब वो शीर्ष पे पहुंच गया तो उसने हमारे देश को बदनाम करा, ये बोला कि भारत को इस देश में डर लगता है। अरे आमिर खान, डर तो हमको लगता है जब हमारे घर वाले कश्मीर जाते हैं, डर तो हमको लगता है जब कन्हैया कुमार की गला काट दिया जाता है, हमें डर लगता है, डर तेरे को क्यों लगता है? इस चीज पे आके तू हमारे देश को बदनाम करेगा, तू अपनी बेटी का नंगा फोटो तू अपने पोस्ट करेगा, उसको बर्थडे पे मनाते हुए नंगा फोटो पोस्ट करेगा, और तू सोचता है हम तेरी घटिया आदमी की पिक्चर देखेंगे? बायकॉट बायकॉट बायकॉट। और जो आदमी पिक्चर देखेगा वो खुद भी देश का गद्दार है, और अगर वो इसको अपना हीरो मानता है तो वो भी अपनी बहन बेटियों के फोटो नंगे पोस्ट करे, तब हम मानेंगे कि वो तुम्हारा हीरो है, नहीं तो इसको बायकॉट करो। इसलिए आप भी पिक्चर मत देखने जाना, आपके हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाओ, अपने देश की इज्जत बचाओ, देश से प्रेम करो, पिक्चर देखना बंद करो सर इन लोगों की। तो देखा आपने आखिर कितने गुस्से में ये हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मीडिया है वो क्या कह रही है, उनकी क्या राय है, वो भी आपको देखनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पहले दिन सिर्फ इतना ही कमा पाएगी लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान ने सबका दिल जीत लिया, लाल सिंह चड्ढा हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा देख भड़क उठा एक खिलाड़ी, बताया शर्मनाक जाने वजह, लाल सिंह चड्ढा देखने का कर रहे हैं प्लान तो क्या है माजरा। इस तरीके से खबरें भी यहां पर आ रही हैं, और ये आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड क्या है, मैं आपको वो दिखा दूं टॉप ट्रेंड क्या है सोशल मीडिया पर। आमिर खान ये टॉप ट्रेंड है भाई साहब, ये देखिए आमिर खान टिकट पर पैसे की बर्बादी ना करें, वो कह रहे थे दूध चढ़ाने से क्या होगा, वो ये सीख दे रहे थे अपनी फिल्मों में, तो अब लोग समझा रहे हैं कि कितने रुपए का टिकट है उसे। ये आप देखिए तुर्की में गए थे, तुर्की की उनकी तस्वीर आज वायरल हो रही है। आमिर खान लगातार इस वक्त बेहद तेजी के साथ वायरल है, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि उन्होंने कल अपील भी की थी कि कई लोगों का जीवन चलेगा इस मूवी से, कृपया आप इसे देखने जाइए, लेकिन लोग इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो फिल्म है वो इस तरीके से आपको नजर आ रही है, 8-10 टिकट, ये बता रहा है कि स्थिति इस वक्त बेहद ज्यादा खराब लाल सिंह चड्ढा की है। लेकिन आगे देखना होगा, आज ही के दिन नहीं देखी या आगे भी कुछ हाल ऐसा ही रहेगा। वैसे तो आमिर खान की फिल्म के पहले दिन टिकट फुल होते थे, किसी भी पिक्चर हॉल में टिकट नहीं मिलते थे, लेकिन आज तस्वीर कुछ बदली बदली सी है। सहारनपुर हो, लखनऊ हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, स्थिति कुछ ऐसी है। जरूर आमिर खान टेंशन में होंगे, वो देख रहे होंगे, और लगातार ये दावा कि एडवांस बुकिंग में ही 12 करोड़ का कलेक्शन तो मूवी ने कर लिया रिलीज होने से पहले, क्या वो झूठ था? ये सवाल आपके सामने है, आप अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुद्दे की बात के लिए हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।